ठीक है मैं आया था ठीक है कोरमा निकल नहीं आया मेनू भाई एक बिरयानी का दाना नहीं दिता साहब जी इन्होंने मैं लेके आया वो मेरे भाई बड़ा कहता जी तो चावल चल रहे हैं मैं बिरयानी का पागल हूँ ठीक है जी एक दाना नहीं दिता बाबा भूडी है भूडी नहीं असी करते असी कोई पै एक मिनट साहब जी वोट पाना असी ओनू नून लीग नु ही लेकिन चावल पहले मेनू खाओ नून लीग ने क्या किया तो आपने क्या किया नून लीग का सारा सरिया बिका है चावल खा रहे हैं तू सही बात तो कर रुपया दो यार मैं तो इधर पुंडी करने आया हूँ बस इधर मजे मुझे लेने आया हूँ इधर बिलावल को देखने आया हूँ आया कि नहीं आया अभी अभी इधर लड़कियाँ लड़कियाँ देख रहा हूँ इस टाइम एक साथ होगी तो उसको हमने ले जाना रात बच्चियों का तो पता नहीं पुंडी करेंगे एक ही मकसद लाए हैं कि हमने 8 फरवरी को इंशाल्लाह तीर को जिताना है बच्चे तो आपके सारे पुंडी करने आए हैं जनाब ये पुंडी करने नहीं आए हम नून लीग वाले नहीं हैं पीटीआई वाले नहीं हैं जो नाच गाने करके पुंडिया करेंगे हमने इंशाल्लाह तीर को जिताना है हम यहाँ एक मकसद के साथ आए पहले किस पार्टी में थे पहले मैं पाकिस्तान तरीके साहब का जनरल काउंसलर का इलेक्शन लड़ा हूँ यूसी 237 से तो अब इसमें क्यों शामिल हो गए जनाब वहाँ हमने करके देख लिया इमरान खान साहब को तो उन्होंने सुवाए खोखले नारों के अलावा इस कौम को कुछ नहीं दिया हमने कुछ नहीं दिया हमारे नौजवानों को कुछ नहीं दिया बिलावल भुट्टो साहब नई की आदत नई सोच है इंशाल्लाह वो हमारे नौजवानों के लिए भी बिलावल भुट्टो साहब ने हुकूमत की है उनकी हुकूमत ही रही है कराची के अंदर उन्होंने क्या किया जनाब बहुत काम किए उन्होंने 5 काम की नवाएं जो बहुत अच्छे किए भजन 5 काम किया खत्म करता बात ये है भजन काम बहुत कराए हुए उन्होंने गिनने गिनाने वाली तो बात ही नहीं आई यहाँ अनगिनत काम किए हुए आप 5 काम कह रहे हैं 5 काम गिनवा देना अनगिनत में से 5 काम गिनवा देना जो ग्रीन टोन की ये बात दी है ना हम जहाँ रहते हैं काम किए तो बताएगा ना जहाँ हम रहते हैं यहाँ जितनी आबादी जो बैठी हुई है ना सारी ये भुट्टो साहब की दी हुई है जो हकीकत है वो यही है 5 साल पहले भुट्टो साहब यहाँ से इलेक्शन जीते थे फिर बेनजीर भुट्टो भी आई वो इलेक्शन जीती यहाँ से फिर नॉन लीग की हुकूमत रही अब 50 साल बाद अपना बिलावल भुट्टो साहब आए हैं खाली करवा रहे हैं वो बेल्फ वाले आके कह रहे जी गवर्नमेंट की जगह गवर्नमेंट ने पहले तो देते सी कार पे की रह लो हूं वोट उसके जो 25 ग्राम का पैकेट देगा बात उसके अलावा वोट बात भाई ये अवेलेबल है इधर भूडी भी अवेलेबल है हर चीज अवेलेबल है बिरयानी भी चलेगी बात सुनो ये जो पुंडी शुंडी की बात कर रहे हैं ये वाजह सबूत है कि यहाँ पे जो पीटीआई के यूथियाज है वो भी मौजूद है ठीक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बुनियादी और नजरियाती वर्कर है वो कभी ना आपको इस तरह की अब्यूसिव हम पीटीआई के साथ है पीटीआई पुंडी करवाती है बस आपके सामने पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है पाकिस्तान की बाद में पुंडी होती थी याद है वहाँ पे क्या क्या बरामद नहीं हुआ गंदी चीजें बरामद हुई है नाजरीन ये कारकुनान मेरे साथ मौजूद थे ये कितना सही कह रहे हैं कितना गलत कह रहे हैं इसका फैसला आप करेंगे इसी के साथ मेजबान मुजाहिद हुसैन को इजाजत दीजिए और देखते रहिए एसपी न्यूज़ अल्लाह ने के बाद